दोस्तों एक बच्चे का मेल पढ़ रहा था मैं एक बार, तो उसके द्वारा बोला गया सर असली रिवीजन तो तब स्टार्ट होता है जब एडमिट कार्ड आ जाता है, तब रिवीजन करने में मजा आता है। तो भाई साहब रिवीजन करने का मजा ले लीजिए, आप लोग एडमिट कार्ड जो है वो यूपीएससी ने रिलीज कर दिया है, तो एडमिट कार्ड जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। ये आप लोग जैसे एडमिट कार्ड के ऊपर जाएंगे यहाँ पर, तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो वेरियस एग्जाम है उनके एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ से एडमिट कार्ड, ठीक है। तो सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2021, ये 10 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है और शाम 4 बजे तक डाउनलोड करना है। 4 बजे तक का डाउनलोड करके क्या करोगे, पहले डाउनलोड कर लेना, उसके बाद में तो कोई मतलब ही नहीं उस चीज का। मतलब कहने का मतलब ये है कि एडमिट कार्ड जो है अपना डाउनलोड करके रख लेना, फिर बाद में कई बार वेबसाइट वगैरह थोड़ी हैवी चलने लगती है, तो जो भी है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, तो ये स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि अब आप लोगों के पास में जो गिने चुने दिन रह गए हैं इसमें, वो नहीं कहते कि जी जान लगाकर अब आप लोगों को मेहनत करनी है, जो कुछ भी हो जाए यार, अब ना बस बिल्कुल चीजें छूटने नहीं चाहिए, अब ना बिल्कुल 110% ही होना चाहिए कि बस अब तो सिलेक्शन लेना ही लेना है, वो वाला जोन में आके अब रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी रिवीजन आप लोगों को करना है, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, अब बिल्कुल रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए ताबड़तोड़। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, टेस्ट लगाइए जितने ज्यादा आप लोग लगा सकते हैं। अगर प्रीलिम्स पर अच्छी कमांड नहीं है तो आप लोगों को जितने ज्यादा टेस्ट लगाएंगे उतने ही ज्यादा फायदा होगा। आंसर राइटिंग अगर आप लोग इस बार का पेपर देने जा रहे हैं तो अभी के लिए थोड़ा डाउन कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि पहले भी प्रीलिम्स निकाल चुके हैं तो कंटिन्यू रख लेना, एक एक दो एक क्वेश्चन लिखने में कुछ नहीं जा रहा है 10-15 मिनट में। पर हाँ, अगर लग रहा है कि नहीं यार प्रीलिम्स ही सब कुछ है, इसके अलावा पता नहीं कुछ भी नहीं होना है, कैसी जिंदगी चलेगा, वो वाला जोन है कि अब तक प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ है, तो फिर पूरा 110% आप लोगों का फोकस अब जो है बिल्कुल प्रीलिम्स पर होना चाहिए। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर कई सारे जो कैंडिडेट हैं उनका नाम दे रखा है, जिन्होंने अपना जो नाम है यहाँ से लिस्ट एक तरीके से विड्रॉ कर लिया है अपना जो एग्जामिनेशन है। बेसिकली यूपीएससी ने ये ऑप्शन दिया था, रीजन क्या था, देखिए कई बार क्या करते हैं फॉर्म तो भर देते हैं पर लेकिन एग्जाम देने नहीं जाते हैं, ठीक है। तो उसके चलते आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये विड्रॉ लिस्ट दी गई है, तो ऐसा देख लीजिएगा जिस जिसने विड्रॉ कर रखा है, पता चला एग्जाम देने जा रहा है वहां पर तो अवेलेबल चीजें नहीं होंगी, तो ये स्लाइड यहाँ पर दे रखी है। तो इसमें आप लोग जो भी है आप लोगों को पता ही होगा, हालांकि बोलने वाली कोई बात नहीं है। वैसे आप लोग जैसे ही डाउनलोड करने की बात करेंगे तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी है, एक बार हल्का सा नजर डाल लेना। हालांकि अगर आप लोग ईपीएफओ का पेपर देने गए थे तो सारी चीजें आप लोगों को पता ही होगी, 2 पेपर होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, याद रखना। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन अपना लेकर जाना, जो गोले भरने वाला बेसिकली, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कौन कौन पेपर देने जा रहा है वो कमेंट बॉक्स में यस लिखना, जो देने नहीं जा रहा है नेक्स्ट ईयर का देने वाला है वो नो लिख के अपने ईयर का नाम लिखना, किस ईयर में वो एग्जाम देने वाला है। तो पूरी एसएलवी आर्मी को ऑल द बेस्ट, और ढंग से बिल्कुल लग कर ताबड़तोड़ आप लोगों को अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, बिल्कुल रिवीजन वाला जोन अब ताबड़तोड़ रिवीजन होना चाहिए अब चीजों का, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।